है hey, नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्नोलॉजी चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो है Xiaomi टीवी को लेके, मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आपका भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग मिलकर आवाज़ उठाते हैं जिससे Xiaomi इसको बहुत जल्दी फिक्स करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। धीरे धीरे काफ़ी लोगों के साथ ये हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है क्या। दोस्तों रिसेंटली मैंने अभी एक टीवी परचेस किया है मी का, और वो टीवी मुझे 5 तारीख को डिलीवर्ड हो गया है इसी महीने अक्टूबर में। 5 अक्टूबर को मुझे डिलीवर्ड हो गया है। मैंने 5 तारीख को अपॉइंटमेंट बुक की 6 तारीख के लिए कि 6 तारीख को मेरा टीवी का इंस्टॉलेशन हो जाए, क्योंकि अगर हम खुद से बॉक्स ओपन कर देंगे टीवी की तो वारंटी ख़त्म हो जाएगी, और अगर टीवी में किसी भी तरह की फिजिकली या फिर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हुई तो वो भी वारंटी में कवर नहीं होगा। तो उनका कहना है कि हमारा जब सर्विस इंजीनियर आएगा वही बॉक्स को ओपन करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आपका प्रोडक्ट जो है एक्सचेंज हो जाएगा, और बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वैलिड रहेगा वारंटी में, लेकिन अगर हम खुद से ओपन कर देंगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैंने 6 तारीख को रिक्वेस्ट की, 9 से 12 का मैंने टाइम शेड्यूल सेट किया कि 9 से 12 के बीच में मॉर्निंग में उनका इंजीनियर आएगा इंस्टॉलेशन के लिए और मेरे टीवी को इंस्टॉल कर देगा। मैंने दोपहर को 12 बजे तक वेट किया, नेक्स्ट डे 6 तारीख को कोई भी ना तो उनका बंदा आया ना तो कोई मुझे कॉल किया। फिर मैंने उनके कस्टमर केयर में कॉल किया, और जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो क्या होता है कि आपको उसका मैसेज में उसका नंबर भी मिलता है। मेरे केस में उसका नंबर मिला है बंदे का, जब मैं उसको पे कॉल कर रहा हूँ तो उसका जो नंबर है वो गलत बोल रहा है, मतलब वो नंबर वैलिड नहीं है अभी। फिर मैंने Xiaomi के कस्टमर केयर में कॉल किया और उनको बोला कि आज मेरे टीवी का इंस्टॉलेशन था बट अभी तक आपका कोई भी बंदा मेरे घर पे नहीं आया है और ना ही मुझसे अभी तक किसी ने कॉन्टेक्ट किया है। तो उन्होंने चेक किया मेरी जॉब शीट को, वहाँ पे बोला गया कि वहाँ पे उस बंदे ने लिखा था जो मेरे घर पे आता है इंस्टॉलेशन के लिए, उसने उस जॉब शीट में लिख दिया है कि मेरी और कस्टमर की बात हो चुकी है, कस्टमर बोला है कि 10 तारीख को आप आके इंस्टॉलेशन करिए तो हम 10 तारीख को इंस्टॉलेशन करने जाएंगे। इस पे उसने लास्ट जॉब शीट पे यही मेंशन किया हुआ था। तो उनके कस्टमर केयर ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है। तो हमने कहा कि नहीं, अभी मेरा उनसे कोई भी बात नहीं हुआ है, यहाँ तक कि उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, जो नंबर दिया है मैसेज में मैं उस पर भी कॉल कर रहा हूँ बट कॉल नहीं लग रहा है, और आपका बंदा कोई भी मुझे अभी तक फ़ोन नहीं किया है। जब वो मुझसे बात ही नहीं हुआ मेरी उसके साथ में, तो वो कैसे ये बोल सकता है कि मैंने उसको बोला है 10 तारीख को आने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं कंप्लेन रेज कर रहे हैं यहाँ पे, आपके कंप्लेन ले रहे हैं और ये प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगी, मेरे जो सीनियर्स होंगे वो आपको नेक्स्ट डे कॉल करेंगे। मतलब उस दिन शायद संडे था 6 तारीख को, तो बोले कि मंडे को आपको वो लोग कॉल करेंगे। फिर हमको रात में ही कॉल आता है तकरीबन 6:30-7 बजे के कस्टमर केयर के जो सुपरविजन है या फिर सीनियर एम्प्लॉय जो हैं, उन्होंने हमको कॉल किया और उन्होंने पूछा कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम हुई थी। हमने उनको फिर से बताया, उन्होंने बोला कि आपकी प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी, 0 to 3 days का टाइम लगेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका जो है टीवी जल्दी जल्दी इंस्टॉल करा दिया जाएगा। हमने बोला ठीक है, फिर हमने जो है कॉल को रख दिया और फिर मैंने उनको नेक्स्ट डे कॉल किया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मे बी हो सकता है कि यह प्रॉब्लम आपकी कल ही फिक्स हो जाए, मतलब 8 तारीख को ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। तब हमने जो है उनको दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया 12 बजे के आसपास, हमने कहा आज कोई आएगा इंस्टॉलेशन करने या नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला सर आपका जो कंप्लेन है वो अभी हम लोग उसको देख रहे हैं, हमारे आपके कंप्लेन पे काम हो रहा है और जल्दी एक बंदा जाएगा, बट उन्होंने फिर भी कोई हमको डेट नहीं बताया कि कौन सी डेट में बंदा आएगा। फिर हमने उनको बोला कि कुछ डेट होगा कि किस डेट में आएगा, या फिर आप हमारा एक नया अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए कि इस डेट में वो आ जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नया अपॉइंटमेंट हम नहीं बुक कर सकते हैं, पुराने अपॉइंटमेंट पे आपकी कंप्लेंट के ऊपर काम हो रहा है और नया बंदा आपको जल्दी भेज दिया जाएगा। फिर दोस्तों क्या हुआ कि आज 9 तारीख को मेरी फिर उनसे बात हुई, तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए अभी जो मैं देख पा रहा हूँ आपकी जॉब शीट में यहाँ पे है कि 10 तारीख को ही बंदा आपके घर पे जाएगा और शाम को 6 से 8 के बीच में जाएगा। तब हमने बोला कि 10 तारीख को आएगा वो कन्फर्म है, उन्होंने बोला हाँ 10 तारीख को वो आएगा शाम को 6 से 8 के बीच में, बट अब 9 तारीख को देखते हैं कि ये आता है या नहीं आता है, क्योंकि मैं वीडियो 9 तारीख को मॉर्निंग में ये बना रहा हूँ, तो शाम तक उनका बंदा आएगा या नहीं आएगा मैं ज़रूर इसको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मेरा टीवी ऐसे ही पैक होकर रखा हुआ है, अभी आप लोग खुद सोच सकते हो कि जो 5 तारीख को टीवी मंगाए हो 10 तारीख को उसका इंस्टॉलेशन हो, उसके टीवी घर पर पड़ी हो बार बार उसको देखे, तो हर कोई यही एक्सपेक्ट करता है अगर प्रोडक्ट आ गया है तो वो जल्दी से जल्दी लग जाए। आप भी कोई नया फ़ोन मंगाते होंगे तो तुरंत आप उसको ओपन करके देखते होंगे, बट टीवी वाले केस में ऐसा नहीं है, उनकी वारंटी जो है ख़त्म हो जाती है अगर आप खुद से प्रोडक्ट को ओपन कर देते हो। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ हुई है इंस्टॉलेशन को लेकर, क्योंकि जो Xiaomi की सभी सर्विसेज अच्छी
अच्छी है, मैं Xiaomi के यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट उनकी जो ये प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन को लेके, ये दरअसल इनके खुद के बंदे नहीं होते इंस्टॉलेशन के लिए, ये हर सिटी में अलग अलग एक छोटी छोटी कंपनी को एक हिसाब से टेंडर दे देते हैं कि आपके पिन कोड में अगर कोई भी इंस्टॉलेशन आएगा तो आप जाके इसको इंस्टॉल करिएगा इस टीवी को। मतलब उनके खुद के बंदे नहीं होते हैं वो दूसरे कंपनी के बंदे होते हैं, वो लोग आके आपकी टीवी को इंस्टॉल करते हैं। तो वही लोग जो है Xiaomi की इंस्टॉलेशन सर्विस को बेकार कर रहे हैं। कल मैंने ट्विटर पर भी बात किया Xiaomi वालों से, बट उनकी तरफ से मुझे कुछ क्लियर रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मुझे आज ये फाइनल वीडियो बनाना पड़ रहा है कि जिससे Xiaomi तक ये वीडियो पहुंचे और इनके ऊपर में वो एक्शन ले, क्योंकि इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम काफी लोगों के साथ है और मैं भी फिलहाल कोलकाता मेट्रो सिटी में हूँ। मेट्रो सिटी में अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जहां पे एक आउट एरिया जो रूरल एरिया होगा वहां पे इनकी सर्विसेज कैसी होगी, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और मेरी मुंबई में भी एक बंदे से बात हुई, उनके सामने भी सेम प्रॉब्लम थी ये इंस्टॉलेशन को लेके, उनका भी इंस्टॉलेशन शायद 6 से 7 दिन में हुआ है। तो ये जो पंगे हैं ये Xiaomi कर रहा है, Xiaomi के जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं टेंडर वाली वो लोग कर रही हैं। तो अगर आप लोग भी सपोर्ट करते हैं, आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो आप जरूर से नीचे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को हम ट्वीट करेंगे Xiaomi के साथ में, देखते हैं कि उनका क्या फीडबैक आता है इसके रिगार्डिंग। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो जरूर ये शेयर करिएगा। जब आप Xiaomi का एक बार टीवी लेते हैं तो वो भी आप सोच लीजिएगा कि आपका इंस्टॉलेशन कब होगा, क्योंकि अगर आपको जो अपॉइंटमेंट मिलती है उसमें उनका बंदा आता ही नहीं है, ज़्यादातर उस केस में आता ही नहीं है कोई इंस्टॉल करने टीवी को, तो वो आएगा नहीं, फिर आप कंप्लेन करेंगे, वो आपकी कंप्लेन पे लगभग 3 दिन काम करेंगे, फिर उसके बाद में बंदा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। जब मेरा टीवी लग जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा एक वीडियो में बता के कि किस दिन मेरी टीवी जो है इंस्टॉल हो गई फाइनली, लेकिन अभी तकरीबन 3 दिन निकल गए हैं, अभी तक कोई बंदा ना तो आया है ना तो कोई कॉल किया है। ये है Xiaomi की इंस्टॉलेशन सर्विस। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा जरूर से नीचे कमेंट्स बॉक्स में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी Xiaomi की टीवी लेने से पहले उसके इंस्टॉलेशन के बारे में ज़रूर इंक्वायरी कर लें कि आखिर उनका इंस्टॉलेशन कब होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वह मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।